Hello friends, welcome back to Concept Zone. So today we will start a new topic of percentage, increment or decrement in percentage, or you can say expenditure, income के अंदर कैसे percentage increase होता है, कैसे decrease होता है, क्या इनकी applications है, आप कैसे questions को directly solve कर सकते हो, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। जैसे for example अगर मैं एक question दूँ आपको कि भाई अगर if the expenditure is increased by 25%, then how much the quantity should decrease to may to un change to the expenditure। यहाँ पे आप प्राइस लिख लीजिए। देखिए अगर आपको ऑप्शन में दे रखा हो 20%, ऑप्शन टू में दे रखा हो 33.3%, ऑप्शन थ्री में दे रखा हो 25%, और ऑप्शन लास्ट जो फोर है आपको दे रखा हो नहीं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन हो तो आप डायरेक्टली कैसे कर पाएंगे उसके ऊपर आपको अगर मैं चर्चा करना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये है कि अगर आप मान लीजिए पहले 100 था, 100 से कितना हो गया है 125% हो गया है, तो आप कितना कम करें कि वापस से सेम वैल्यू पर आए और ये अनचेंज्ड रहे। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अपने CPR के बारे में। CPR मतलब होता है कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के बारे में। तो ये क्या चीज है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, आप देखो डायरेक्टली मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे। अगर मान लीजिए इंक्रीज होने वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई जो है वो अगर 1/4 है तो डिक्रीज होने वाली होगी 1/5, यानी होगा आंसर 20%, और 20% डायरेक्टली आंसर ए होगा। अब ये मैंने कैसे किया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई इंक्रीमेंट होने वाली वैल्यू है वो है एक्स अपॉन वाई, तो डिक्रीमेंट होने वाली वैल्यू ऑलवेज होगी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आप गौर करें, जब आप कहोगे कि आपकी मान लीजिए कोई वैल्यू जो है वो 100% से 125% इंक्रीज होकर हो गई है, डिक्रीज करने के लिए आपका बेस जो है वो चेंज होने वाला है, ऑब्वियस है। अब ये बेस कितना चेंज होगा, आपने जितना इंक्रीमेंट किया है उसी के साथ चेंज होगा, मतलब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है यही तो चेंज होने वाला है, ऑब्वियस है। तो आपका बेस यहाँ पर होने वाला है जैसे 125, 25 अगर बटाना है तो आप गौर करोगे तो ये कितना रहा है 1/5 आ रहा है, और यही आपका चेंज है, परसेंटेज 20%। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर पा रहे हो कि अगर आपने इंक्रीमेंट अगर x अपॉन y किया है तो डिक्रीमेंट कितना होगा अपना x अपॉन x प्लस y होगा। ये बात आप ध्यान रखें, बस इस चीज को आपको याद करना है, बस इतना सा अगर ध्यान है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से कर पाओगे। तो मैं अब इस CPR की क्या एप्लीकेशंस है इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस के अंदर, प्लस इसके अलावा आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं अभी करवाने वाला हूँ, तो उसमें आप चेक कर पाओगे कि इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस है। तो चलिए डील करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु की कीमत में लगातार अगर 2 बार इंक्रीमेंट किया जा रहा है तो वापस से अगर जो इनिशियल वैल्यू, अगर आपको इनिशियल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी हो तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बताया क्या गया है 10% का इंक्रीमेंट किया गया है वो भी 2 बार, है ना, और उसके बाद में कितना डिक्रीमेंट करें कि हमारे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वापस मिल जाए। ऑप्शन आपको दे रखे थे, ऑप्शन ए दे रखा 15%, आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी आपको दे रखा कितना 17.36%, ऑप्शन सी आपको गिवन है 17%, और ऑप्शन डी आपको गिवन है लास्ट वन इज 16.36%। देखिए तो अगर आपको ये 4 वैल्यूज गिवन है, पहली बात तो देखो 2 बार इंक्रीमेंट आता, आपको आपको एक फॉर्मूला पता होगा डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला, है ना, और 10% इंक्रीमेंट डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 + 10 + 10 × 10/100। ये मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप देखो डायरेक्टली कैसे कर पाओगे। तो अगर आपको 10% के हिसाब से पता है तो आप 10 + 10 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो यहाँ टोटल इंक्रीमेंट कितना है 21% का है।
अगर 21% का इंक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट कितना होगा, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21%, यानी कि 21/100 दे रखी है। तो डिक्रीमेंट आपको निकालना, तो वो कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। इट मीन्स इट शुड बी 21/121, यस और नो? 21/121। अगर आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे 121 इंटू, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, व्हेनेवर यू विल कट इट यू विल गेट 17.36%। ओके, तो आप देखिए, आपको बेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई 100 पर 121 बढ़ा है तो चलिए पहले 100 मान लेते हैं, 121 कर लेते हैं, फिर डिक्रीमेंट निकालना है, फिर आप 21 निकालोगे, फिर बेस चेंज करके 121 लिखोगे। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि सीपीआर डायरेक्ट क्या बोलता है। अगर इंक्रीमेंट अगर एक्स अपॉन वाई है तो डिक्रीमेंट कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का जो वेतन है, पहले 20% बढ़ा दिया गया है, 20% घटा दिया गया है, तो बताइए उस पर कितना परसेंट का चेंज आया है। तो आप इसको काफी सारे, पहला तो यही मेथड है कि आप कैसे कर पा रहे हो, आपको ऑप्शन चार दे रखे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहे हैं, 4% का डिक्रीमेंट है, 8% का इंक्रीज है, 8% का डिक्रीज है और 20% का इंक्रीज है। तो आप देखो डायरेक्टली कैसे कर पाओगे, एक तो ये फॉर्मूला ही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर जो प्लस साइन है वो किसके लिए, आपको एल्जेब्रिक का ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू अगर डिक्रीमेंट शो कर रही हो वहां पर आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन को शो करोगे। तो 20% पहले बढ़ाया है, फिर आपको 20% घटाया है, फिर उसके बाद में 20% का बढ़ाया हुआ और 20% का घटाया हुआ आप यहाँ रखोगे और अपॉन 100 करोगे। ये तो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, -4 आया आंसर, -4 शुड बी योर आंसर, आंसर इज ए। आपको समझ में आया होगा आई होप। और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार टच करते हैं, देखते हैं, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, मतलब अगर मान लीजिए कोई फूड है, फूड के अंदर आपको 10% का इंक्रीमेंट दिया गया है ना, 10% का इंक्रीमेंट है, तो बताओ उसका खपत कितनी कम कर दी जाए, यानी कि उसका कंजम्पशन है वो कितना कम कर दिया जाए कि आपकी जो पर्टिकुलर जो रेट है, खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज ना हो। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 9, ऑप्शन में दिख रहा होगा, ए पे आपको 9/1/11%, बी आपको ऑप्शन में दे रखा 10%, सी ऑप्शन में आपको दे रखा 9/2/11%, एंड डी आपको दे रखा है नन, यानी कि डाटा इज इनसफिशियंट, है ना। तो इससे आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, देखो डायरेक्टली 10% का इंक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट कितना होगा, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% है, 1/10, है ना। तो डिक्रीमेंट कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 1/11, 1/11 कितना परसेंट होता है, 9/1/11% होता है कि नहीं होता है, डायरेक्टली वैल्यू याद है, आंसर शुड बी। तो आप देखिए डायरेक्टली अगर आपके माइंड में वैल्यूज भी चलनी चाहिए, आपको वैल्यूज कुछ याद होनी चाहिए, मैं आपको वैल्यूज कुछ बता देता हूँ। जैसे 1 को आप क्या कहते हो, 100% कहते हो, 2 को आप क्या कहते हो, 50%, 3 को क्या कहते हैं, 33/1/3%, इसके अलावा 4 को आप क्या कहते हो, 25%, फिर 5 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, 20%, 1/6 की अगर मैं बात करूं तो 16.66%, और 1/7 की बात करूं तो ये हो गया 14.28%, 1/8 की अगर मैं बात करूं तो हो गया 12.25%, 1/9 की अगर मैं बात करूं तो हो गया 11.11% भी कह सकते हो, या फिर 11/1/9% भी कह सकते हो। ऐसे 1/10 10% हो गया, लास्ट 1/11 अगर मैं कहूं तो आप 9.09% या फिर 9/1/11% कह सकते हो। 1/12 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, भूल गए अमाउंट फॉर एग्जांपल, तो 1/4 25% है, और ये 1/3 इसके मल्टीप्लाई में, देखो 1/4 और 1/3, तो इसका 1/3 कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे 1/6 × 2, यानी कि आपका ये जो वैल्यू है इसका आधा कर दो तो 8.33% आ गया, ऐसे 1/13 का और ऐसे 1/14 का। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, अगर आप ये याद कर पाओगे तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी हो पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपके कोई आर्टिकल के अंदर आर परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया है और अगर वापस डिक्रीमेंट भी आर परसेंट का हो, तो आप ये बताइए कि फाइनल प्राइस अगर आपका 1 रुपीज है
तो आप बताओ ओरिजिनल प्राइस यानी कि स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, काफी सारे तरीके हैं वैसे तो चेक करने के लिए। मैं आपको बेसिक मेथड जो है वो दो मेथड से आपको ये कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए पहले अगर आपको इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए जब आप पॉपुलेशन के ओर के क्वेश्चन करते हो या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हो तो आप यही करते थे कि अगर आप पी अगर कोई प्रिंसिपल गिवन है, पी अगर प्रिंसिपल गिवन है तो आप क्या कहते हैं आर प्लस 100 अपॉन 100 की पावर एन, यहाँ पर एन टाइम हुआ करता था। अगर इस चीज को आप अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर परसेंटेज में अगर गिवन हो तो आप उसी चीज को आप 2 से 3 बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5% का पहले इंक्रीमेंट था, फिर 5% का इंक्रीमेंट था या 10% का इंक्रीमेंट था, अगर अलग अलग हो तो आप इसी चीज को मल्टीपल टाइम्स लिख देते हो, वही तो चीज करते हो। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में यही करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में था एक्स, है ना, स्टार्टिंग में एक्स था तो पहली बार में कितना बड़ा है आर बड़ा, तो आप क्या कहोगे आर आर परसेंट के लिए आर स्मॉल दे रखा, तो आर प्लस 100 अपॉन 100। और उसके बाद में क्या दे गिवन है, उसने बोला आर परसेंट से ही डिक्रीज किया गया है, 100 माइनस आर बाई 100 ये डिक्रीमेंट के लिए कह रखा है। उसके बाद में आप फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 रुपया दे रखा है आपको वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू आपको पूछा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, वेन एवर यू विल सॉल्व कंप्लीटली यू विल गेट 1000 सॉरी 10000 डिवाइडेड बाय 1 10000 माइनस आर स्क्वायर, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद में ये 10000 ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, है ना। कैसे, आप देखो 10000 ये मल्टीप्लाई करो ये ऊपर भेजो तो ये तो होगा 10000, है ना। जब ये ए प्लस बी ए माइनस बी आप लगाओगे, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, है ना। ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन आपको डी मिल गया होगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर आपका जो प्राइस था वो 100 यूनिट था फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो फाइनल में आपको 100 प्लस आर होगा फाइनल प्राइस। और अगर 100 सेकेंड केस 100 है तो अगली बार में कितना होगा, 100 माइनस आर होगा, आर परसेंट डिक्रीज किया है ना, पहले माना अपन ने 100, 100 माना तो हमें 100 प्लस आर, वापस से इस चीज को अगर हम मैं 100 मानता हूं तो 100 माइनस आर आपका फाइनल प्राइस होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 10000, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं आई विल गेट 10000 माइनस आर स्क्वायर। तो आप देखो यहां पर और ये जो चेंजिंग वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको 1 गिवन है, ये वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो 100 अगर आपको 1000 यूनिट्स की वैल्यू अगर आपको ऐसे निकाल लोगे, अगर 1 यूनिट की आप कैलकुलेट करना चाहो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू वंस अगेन यू विल गेट अगेन 10000 डिवाइडेड बाय 10000 माइनस आर स्क्वायर। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको इसे तो रिकमेंड ही नहीं करूंगा। आप जो स्टार्टिंग जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया आप वहां से करोगे तो आपको काफी अच्छा फायदा होगा, आप इससे कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी कर पाओगे। तो चलिए लेट्स डील विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। क्या बताया था कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू अगर 100 हो, है ना, और आपको फिर बाद में क्या हो गया 100 प्लस आर हो गया, अगर मैं इसी चीज को वापस से 100 मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस आर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इसको इनिशियल प्राइस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आई विल गेट 10000, अगर मैं यहाँ करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10000 माइनस आर स्क्वायर। इतना यूनिट रुपीज है मेरे पास में, ये यूनिट स्टार्टिंग यूनिट इतनी थी और फाइनल यूनिट ये है, 10000 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 1 रुपीज इतनी यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कितने निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी 1000 सॉरी 1 अपॉन 10000 माइनस आर स्क्वायर, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, आपको कितने की चाहिए आप कैलकुलेट करिए, है ना। आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपको ये गिवन है, अगर आपको इसका परसेंटेज में कैलकुलेट करनी होती तो आप इससे क्या करोगे, इसको डिवाइड ही तो करोगे, तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 10000 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 10000 माइनस आर स्क्वायर, यू विल गेट योर आंसर डी, है ना। तो एक तो ये तरीका था, अगर आपको ये टिपिकल लग रहा है तो आप फर्स्ट तरीके से कर सकते हो। तो चलिए
लेट मी डील विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25%, डिक्रीज किया गया 25% से, ठीक है, बाद में इट इज इंक्रीज बाई अगेन 20%। ओके, अगर ये 20% से इंक्रीज किया गया तो बताइए कि नेट प्राइस अब क्या होगा, नेट चेंज क्या है प्राइस का। गौर करो, देखो, अगर मान लीजिए पहले डिक्रीज किया है कितने से, 25 से, मान लीजिए ये 100 था पहले, लेट मी, और इसको 25% कम किया है, इसका मतलब ये कितना होगा, 75 होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब ये कह रहा है इंक्रीज किया गया 20% से, इंक्रीज हुआ है 20% से, तो 10% कितना आता है, 7.5, तो 20% कितना होगा, 15, 15 रुपए इसमें जोड़ दो, ये कितना, 90। ये चेंज कितना दिख रहा है, 10, 100 पर 10 रुपए कितना चेंज है, 10% का चेंज है, आंसर शुड बी ए, 10% डिक्रीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, द रिस्टोर द फॉर्मर वैल्यू। अभी अपन ने ये क्वेश्चन देखा था कि भाई अगर मान लीजिए 10% का डिक्रीमेंट है, 1/10 का डिक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट कितना होगा, 1/9 का होगा, 1/9 कितना होता है, 11.09%, ऑप्शन शुड बी डी। ओके, अगला देखिए, अगर मान लीजिए एक वर्कर इज सफर्स 20% कट इन हिज वेजेस, ही मे रिगेन हिज ओरिजिनल वेजेस बाय ऑब्टेनिंग द राइज, हाउ मच। मान लीजिए 20% की क्या कही है, कटआउट है ना, 20% का डिक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट कितना करना चाहिए, वही तो निकालना है, 1/5 का डिक्रीमेंट है तो 1/4 का इंक्रीमेंट चाहिएगा नहीं चाहिएगा। यस, आंसर शुड बी 25%, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड, देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी द इंक्रीज बाय रिड्यूस टू द बैक टू द ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या है, 20% पहले बढ़ाया गया है और फिर 20% फिर से बढ़ाया गया है, ठीक है, उसके बाद बोला गया कि कितना घटाएं कि वो ओरिजिनल वैल्यू पर वापस आ जाए। तो अभी अपन ने देखा था कि 20% प्लस 20% अपन करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, अपन ने फॉर्मूला अभी देखा था, है ना। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20 प्लस 20 और 4, 44%, 44% इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 44 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100। कैलकुलेट द आंसर, अगर आप गौर करोगे तो इसे कैसे काट करोगे, इसको 22 लिख दूं और इसको मैं अगर 50 22 72 लिख दूं, इसको मैं 11 लिखूं और इसको क्या करूंगा, इसका आधा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 36, हाँ 36, चलिए 11/36 इंटू 100, है ना, तो ऑप्शन शुड बी 19.11 बाई 31, ये आपका ऑप्शन होगा, गौर कीजिए, ऑप्शन शुड बी बी। ओके, ऑप्शन इज बी। तो आप देखिए डायरेक्टली आप सॉल्व कर पा रहे हैं डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को, बिना कोई मतलब रेजिस्टेंस आए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये इतना इस मेथड से आता है तो। बस छोटा मोटा ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, बस यही तो है, बाकी आपको जो बेस चेंज करने वाला जो मेथड था वो आपका पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ प्राइस ऑफ शुगर इज राइजेस बाय 20% एंड हाउ मच परसेंट शुड बी कंजप्शन शुड बी डिक्रीज टू एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो अब देखो 20% का क्या किया गया है, इंक्रीज है, अगर 20% का इंक्रीज है तो डिक्रीज कितना होना चाहिए, अगर एक्स बाई वाई बराबर क्या है, 1/5 है, तो आपका ये कितना होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 1/6, 1/6 कितना होता है, 16.66%, आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया है। ओके, कोई बात नहीं, ये देखिए गौर करें, अगर ये 100 है फॉर एग्जाम्पल, ये 60 कर दिया गया है, अब बताओ कितना बढ़ाया जाए ताकि उसे प्राप्त आय पूर्वत रहे, मतलब उसका अनअल्टर्ड रहे, कितना बढ़ाए, वापस से वही है, डिक्रीमेंट कितना, 40%, 40% मतलब क्या हो गया, 40/100, 4/10, 4/10 का क्या है, डिक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट कितना होगा, x अपॉन y, तो ये देखो x तो यही है, y कितना होगा, x अगर इसमें से घटा दोगे तो 6, 4/6 बराबर कितना होता है, 2/3, 2/3 कितना होता है, 66%, 66% आंसर शुड बी डी, 66 2/3%,
66.23% डायरेक्टली आंसर आ गया। तो आप देखो कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बिना कैलकुलेशन किए भी डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा से बेसिक्स में थोड़ा सा स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर आप सीपीआर का ये कंसेप्ट अगर अच्छे से सीख जाओ कि भाई एक्स बाई वाई जो है वो इंक्रीमेंट को शो करती है, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ये डिक्रीमेंट को शो करेगी। अब इसकी एप्लीकेशन बस इतनी ही नहीं है कि परसेंटेज में निकाल दिया, आप प्रॉफिट लॉस कि भाई अगर मान लीजिए किसी की परसेंट जो आपने ऐसे बढ़ाया है कुछ मार्क ऐसा इंक्रीज कर दिया गया है कि उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब अगर आप बात करें प्रॉफिट की, मान लीजिए प्रॉफिट अगर 25% हो रहा है तो कितना डिक्रीज करे कि 20 हानि इतनी हो जाए, कितना डिक्रीज करें, तो वहां पर आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाओगे। इसके अलावा आप एसटीडी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जहां पर आपका प्रोडक्ट वाली जो भी वैल्यूज होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। अगर स्पीड कितना परसेंट इंक्रीज करें और टाइम कितना परसेंट डिक्रीज करें कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, क्या रहे कांस्टेंट, मान लीजिए अगर 25% का इंक्रीमेंट मिला है अगर स्पीड में, तो टाइम तो कम होना चाहिए ना। अब टाइम कितना कम होगा, देखो इंक्रीमेंट अगर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1/4 तो डिक्रीमेंट कितना होगा 1/5, मतलब टाइम कितना कम होना चाहिए 20% कम होना चाहिए, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट इट, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एरिया वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एरिया वाले क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ इन टू विथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू विथ, लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया, विथ को कितना डिक्रीज करें कि एरिया कॉन्स्टेंट रह जाए। अब लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये एल इंटू बी वाले में तो लग गया, बाकियों में जो बाकियों में लगेगा कि नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक बार आप बताओ खुद कि भाई पाई तो कांस्टेंट है ना, ये आर स्क्वायर है, एक बार अगर मान लो रेडियस बढ़ाई है दूसरी बार रेडियस घटाई, कितना घटाएं कि सेम रहे, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। इसके अलावा आप देखो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है सीपीआर पे जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचे तो प्लीज सेशन को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें कुछ ऐसे बच्चों के साथ में जिनको इसकी जरूरत हो, है ना। और बाकी जो वीडियोज है मेरे, अगर आपने ये अच्छे से अभी भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मेरे परसेंटेज का एक मैंने वीडियो इससे पहले भी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा। मेरे वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज चल रही है, वहाँ पूरा आपको वहां पर सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके वहां से वीडियोस चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।